एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैं लाइट मोशन में एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लूँगा हर बार की तरह 30 फ्रेम्स में 1080 पिक्सल में। तो ये देखिए मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है और सबसे पहले मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम का एक लोगो इंपोर्ट कर लूँगा जो कि फ्रीली आप डाउनलोड कर सकते हो। इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है तो इसको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं साइज़ को छोटा कर लूँगा। परफेक्ट, ओके। और अभी मैं टाइमलाइन में थोड़ा सा आगे जाके यहाँ पे एक की फ्रेम क्रिएट करूँगा और उसके थोड़ा सा आगे आके और एक की फ्रेम क्रिएट करूँगा और यहाँ पे इसके साइज़ को थोड़ा सा बड़ा कर दूँगा ताकि पॉपअप का इफेक्ट क्रिएट हो। और टाइमलाइन के स्टार्टिंग में जाके मैं इसका साइज़ एकदम जोर जीरो कर दूँगा और अभी एनिमेशंस को मैं इजी ईज कर लूँगा ताकि ये स्मूथ हो। देखिए कुछ इस तरह का एनिमेशन क्रिएट हो चुका है ये देखिए। और अभी मैं यहाँ पे एक स्टॉक फुटेज यहाँ पे ऐड करूँगा ग्रीन स्किन सेव ब्लास्टर करके, आप इसको भी फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पे मैं इफेक्ट में जाके क्रोमा की इफेक्ट जो है उसको ऑन करूँगा और ये देखिए ये जो शेप्स का जो इफेक्ट है यहाँ पे ऐड हो चुका है और इसको भी मैं थोड़ा सा छोटा कर लूँगा इस तरह से। परफेक्ट, ओके। तो अभी देखिए एक बार प्ले करके तो इस तरह का इफेक्ट क्रिएट हो चुका है और इसको मैं ट्रिम कर लेता हूँ। और जैसे ही ये ब्लास्ट ख़त्म होता है मैं यहाँ पे एक लाइन सेव ऐड करूँगा और इसको मैं रोटेट कर लूँगा ऐसे स्ट्रेट कर लूँगा 45-46 के आसपास मुझे ठीक लग रहा है और इसको इस तरह से ड्रैग कर लेते हैं। और इसमें मैं स्ट्रोक में जाऊंगा और इसका कलर वाइट कर दूंगा और इसमें आपको फिल कलर नील रखना है और स्ट्रोक का जो साइज़ है उसको मैं एडजस्ट कर लूंगा, थोड़ा सा जो लाइन होगा वो थोड़ा सा हल्का कर लूंगा और ये अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिपेंड करता है। मैं यहाँ पे अराउंड 7.5 रखूँगा, ओके। और यहाँ पर मैं एक शेप ऐड कर लूँगा और इस शेप को मैं लाइन के एकदम पास इस तरह से प्लेस कर लूँगा, ये देखिए, ओके। और ये शेप जो होगा वो इतना बड़ा हो कि वो जो लोगो है उसको कवर करे। इसको मैं अभी थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ लाइन को क्योंकि ये सही से मैच नहीं हो रहा है, तो 45 डिग्री कर लिया मैंने। जो रेक्टेंगल है उसका कलर ब्लैक कर लेता हूँ और दोनों लेयर को सिलेक्ट करके मैं ग्रुप में कन्वर्ट कर देता हूँ, ओके। और ये जो नया ग्रुप लेयर है उसको मुझे अभी एनिमेट करना है ताकि जो लोगो है उसको वो वाइप करके बिल्कुल गायब कर दे। तो टाइमलाइन में थोड़ा सा आगे जाके मैं यहाँ पे की फ्रेम क्रिएट करूँगा और उसी तरह से टाइमलाइन के पहले मैं की फ्रेम क्रिएट करूँगा और ये सेकंड जो की फ्रेम है उसको मैं जाके इस तरह से उसको ड्रैग करूँगा, ये देखिए परफेक्ट। और इसको मैं इजी ईज कर दूँगा जो एनिमेशन है, अभी तक कुछ इस तरह का एनिमेशन क्रिएट हो चुका है। और अभी मुझे यहाँ पर टैग सेट करना होगा तो सबसे पहले मैं इस जो लेयर है ग्रुप लेयर उसको ट्रिम कर लेता हूँ, ओके। और जहाँ पे ये वाइप ख़त्म होता है बिल्कुल वहीं पे मुझे अपने टैग्स को रिवील करना है। मैं एक शेप ऐड करूँगा रेक्टेंगुलर शेप और उसको मैं बिल्कुल जो लाइन है उसके पीछे प्लेस कर लूँगा। आप देख सकते हैं इस तरह से लेके जाके इसको बिल्कुल सही से इसमें टाइम लगाएं और सही से उसको प्लेस करें ताकि आपका एनिमेशन ज़्यादा प्रोफेशनल दिखे। और इस बॉक्स को इसीलिए ऐड कर रहा हूँ कि इसके अंदर से मुझे अपने टैग्स को रिवील करना है, ओके। और इसका कलर मैं ब्लैक कर देता हूँ और अभी जहाँ पे एनिमेशन ख़त्म होता है वहीं पे मैं अपना टैग ऐड करूँगा। ये जस्ट देखिए यहाँ पे एनिमेशन ख़त्म हो गया तो उसको मैं थोड़ा सा आगे लेके आऊँगा और यहाँ पे मैं अपना टैग ऐड कर लेता हूँ। पहला टैग्स इसमें मैं टाइप कर लूँगा फॉलो, ओके। और फॉन्ट और कलर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं यहाँ पे वाइट ही रखूँगा और फॉन्ट मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड वाइट कलर रखता हूँ यहाँ पे और साइज़ में रखता हूँ 28 पॉइंट्स के आसपास रख देता हूँ। और अभी मुझे इस टैग्स को एनिमेट करना है, उसको सही से प्लेस कर लेता हूँ सबसे पहले, ओके। और यहाँ पे टाइमलाइन में थोड़ा सा आगे जाके की फ्रेम क्रिएट करूँगा पोजीशन प्रॉपर्टी का और उसी तरह से टाइमलाइन के पहले एक की फ्रेम क्रिएट करूँगा, ओके। एंड जो फर्स्ट की फ्रेम है उसको मैं ड्रैग करके इस तरह से
लाइन के पीछे लेके जाऊंगा। परफेक्ट। और अभी मैं जो रेक्टेंगुलर शेप है उसको ऊपर लेके जाऊंगा ताकि इस तरह का रेवल इफेक्ट क्रिएट हो। ओके, और इसको मैं इजी यूज कर लूंगा टेक्स्ट के जो एनिमेशन को। ओके, थोड़ा सा मैं इसको आगे लेके आऊंगा। ओके, और अभी इस लेयर को मैं डुप्लीकेट कर लूंगा क्योंकि मुझे यहाँ पे और एक टेक्स्ट ऐड करना है, और इस नए लेयर को सिलेक्ट करूंगा और जो एनिमेशन से उसको मैं रिमूव कर दूंगा जो की फ्रेम से। ओके, और अभी जो नया लेयर है उसको मैं थोड़ा सा नीचे लाऊंगा इस तरह से, और यहाँ पे मैं अपना नया टैक्स यहाँ पे ऐड करूँगा जो है @ नो इन शॉर्ट। मैं यहाँ पे टाइप करूँगा, फॉन्ट कलर है आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चूज कर लें। ओके, और इसको भी मुझे एनिमेट करना है, इस नए टैक्स लेयर को भी। दोनों टैक्स एनिमेशन को मैं थोड़ा सा ऑफ बीट रखना चाहता हूँ, इसीलिए दोनों लेयर्स को मैं थोड़ा सा आगे पीछे कर लेता हूँ, और यहाँ पे आगे जाके की फ्रेम क्रिएट करूँगा, और सिमिलरली सामने की तरफ और एक की फ्रेम क्रिएट करूँगा, और नो इन शॉट का जो टैक्स है उसको मैं इस तरह से ड्रैग कर लूँगा ताकि जो शेप है उसके पीछे ये इस तरह से हिडन हो। और इस एनिमेशन को मैं इजी यूज कर लेता हूँ, और ये देखिए इस तरह का एनिमेशन हो गया है अभी। लेकिन यहाँ पे जो एनिमेशन हो रहा है वो ज़्यादा फास्ट दिखाई दे रहा है, इसीलिए मैं टेक्स्ट का जो एनिमेशन है उसमें मैं स्पीड में जाऊँगा और इसका जो स्पीड है वो थोड़ा सा रिड्यूस कर दूंगा इस तरह से। दोनों टेक्स्ट के लेयर में जाके ये देखिए उसको अराउंड 57-55 में कर देता हूँ। ये आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से है, आप देख लीजिए, अगर आपको फास्ट रखना है तो आप उस तरह से ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा स्लो करना चाहता हूँ यहाँ पे। तो ये देखिए, और यहाँ पे जो लाइन है वो भी हिडन हो रहा है, उसको मुझे उसमें रखना है, और इस लाइन को मैं एक्सटेंड कर लूँगा इस तरह से, देखिए। ओके, और यहाँ पे मैं सारे लेयर्स को ट्रिम कर लेता हूँ। परफेक्ट, तो अभी प्ले करके देखते हैं। ये देखिए इस तरह का एनिमेशन क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे मैं जो इनिशियल जो लाइन वाइफ है उसको भी थोड़ा सा स्पीड, उसका भी स्पीड थोड़ा सा रिड्यूस कर दूंगा। एक बार प्ले करके देखते हैं, ये देखिए थोड़ा स्मूथ हो गया है। और यहाँ पे मुझे जो नो इन शॉट है उसका कलर मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ, उसको ब्लू कर लिया हूँ। ओके, परफेक्ट। मुझे जो लोगो है उसका पॉपअप इतना अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसको मैं ज़्यादा पॉप दिखाने के लिए लोगो का जो की फ्रेम्स है उसमें जाऊंगा, और उसमें मैं इस की फ्रेम का साइज थोड़ा सा और बड़ा कर दूंगा ताकि जो पॉपअप इफेक्ट हो वो ज़्यादा अच्छा दिखाई दे। ये देखिए अभी ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। और अभी मुझे नो इन शॉट का जो साइज है वो थोड़ा सा छोटा लग रहा है, तो उसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, 36 पॉइंट्स के आसपास रख देता हूँ, उसको इस तरह से एडजस्ट कर लेता हूँ। परफेक्ट, और ये देखिए हमारा एनिमेशन क्रिएट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी और इस वीडियो से आपको सीख पाए होंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो आप लोगों को वीडियो लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।